अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव और मैं हूँ फराज अली। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा IPL 2024 सेकंड मैच। ये मैच खेला गया पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान। तो इस मैच की देंगे आपको मुकम्मल अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, अब आगाज़ करेंगे और बात करेंगे पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स के मैच की। सबसे पहले बात करेंगे टॉस की। तो दोस्तों, टॉस जीता पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन ने और उन्होंने बैटिंग का नहीं बल्कि बॉलिंग का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवरों में 174 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। और अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैनों की। तो दोस्तों, दिल्ली की जानिब से शे होप ने 33 रन बनाए, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अभिषेक पुरल ने 32 रन बनाए, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो नॉट आउट गए। और डेविड वार्नर ने 29 रन बनाए, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात करेंगे पंजाब किंग्स के बॉलर्स की। तो दोस्तों, पंजाब की जानिब से हर्षदीप सिंह ने 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हर्षल पटेल ने 4 ओवरों में 47 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और हरप्रीत ब्राड ने 2 ओवरों में 14 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। जी तो दोस्तों, ये थी पंजाब किंग्स के बॉलर्स की अपडेट। और जवाब में पंजाब किंग्स की टीम को ये मैच जीतने के लिए मुकर्रा 20 ओवरों में 175 रन का टारगेट मिला, जो कि पंजाब किंग्स की टीम ने चेस कर लिया। पंजाब किंग्स की टीम ने 19.2 ओवरों में 177 रन बनाए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। और ऐसे ये मैच पंजाब किंग्स ने 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया। और अब बात करेंगे पंजाब किंग्स के बैट्समैनों की। तो दोस्तों, पंजाब की जानिब से सैम करन ने 63 रन बनाए, 47 गेंदों का उन्होंने सामना किया। लियम लिविंगस्टोन ने 38 रन बनाए, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया और वो नॉट आउट गए। और प्रभसिमरन सिंह ने 26 रन बनाए, 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो दोस्तों, यदि पंजाब किंग्स के बैट्समैनों की अपडेट। और अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की। तो दोस्तों, दिल्ली की जानिब से कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। खलील अहमद ने 4 ओवरों में 43 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और ईशान शर्मा ने 2 ओवरों में 16 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स की अपडेट। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ये मैच पंजाब किंग्स 4 विकेटों से अपने नाम कर चुका है। जी तो दोस्तों, बात करेंगे प्लेयर ऑफ़ द मैच की। तो दोस्तों, प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड मिला है सैम करन को। उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है। सैम करन ने 63 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया और प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। तो दोस्तों, यदि टाटा IPL 2024 सेकंड मैच पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स के मैच की मुकम्मल अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।